आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को, इसकी विशालता को कोई भी शब्दों में नहीं बांध सकता। आज़ादी का अर्थ है विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को एक ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके। आज़ादी का मूल्य देश ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आदि के प्राण खोकर चुकाया है। देश की आज़ादी की कहानी में शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो आंसुओं से होकर ना गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो चलिए आज इस आज़ादी की कहानी पर एक नज़र डालें। सन 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ झांसी की रानी और मंगल पांडे ने किया और अपने प्राणों को भारत माता पर न्योछावर कर दिया। देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। इस आज़ादी के लिए तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का सिंहनाद किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना धर्म ही आज़ादी को बताया। भगत सिंह ने देशवासियों में देशभक्ति की जो लौ पैदा की वो अद्भुत है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्रांतिकारियों की ख्वाहिश का सम्मान ये देश हमेशा करेगा। देश को गर्व है कि उसके इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और असंख्य ऐसे युवा हुए जिन्होंने अपने प्राणों को भारत माता के लिए हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। देश के इतिहास में अगर किसी को असली सुपर हीरो माना जाता है तो वह है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक आम भारतीय ही थे। उच्च शिक्षा प्राप्त और अच्छे उज्जवल करियर को त्याग देश के इस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आज़ादी के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन ये राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानता है। गांधी जी ने दुनिया को अहिंसा और असहयोग नाम के दो महाअस्त्र दिए। अहिंसा और असहयोग लेकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी लोह पुरुष सरदार पटेल, चाचा नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों ने कमर कस ली। 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता का वरदान मिला। वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमें ये बहुमूल्य आज़ादी मिली है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी आज़ादी का वास्तविक अर्थ भूलती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत से दूर होती जा रही है। इस संदर्भ में किसी कवि ने खूब लिखा है कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। जिस आज़ादी के लिए हमने देश के कई महान वीरों की आहुति दी है, उस आज़ादी को ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी, अज्ञानता से आज़ादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। देश को आज एक नए स्वतंत्रता संग्राम की ज़रूरत है। इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ताकि हमारे देशभक्तों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। जय हिंद, जय भारत।